बहुत सिंपल है, जो फटाक से बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। और एक भी जलेबी मेरे नंबर से गिरे हो तुम लोग। तो गाइस फाइनली हम पहुंचे हुए हैं आज नेशनल स्टेडियम यानी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और यहां पर जो है साहित्य आस्था का लल्लन टॉप अड्डा का प्रोग्राम चल रहा है। और ये देखिए पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है मेरा, वो है साहित्य आस्था का। और हमने अभी हम आपको दिखाते हैं लल्लन टॉप अड्डा, जिसमें सौरभ द्विवेदी, राजदीप सरदेसाई ये लोग आए हुए हैं। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, और ये देखिए यहाँ पर जो है आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा अपने हाथ पे। तो और ये देखिए यहाँ पर इन सारे जर्नलिस्ट का पोस्टर लगा हुआ है। Sahitya English 22 has been presented by Rajni Ganda, co-sponsored by, co-presented by Policy Bazaar, powered by SLR Darila, co-powered by Berger Films, banking partner Bank of Baroda. और गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे अपने सौरभ द्विवेदी के पास, और इनका प्रोग्राम यहाँ पे है आरवाम नेता नगरी। और ये देखिए यहाँ पे निखिल है, और इनका प्रोग्राम है रक्षा मामलों पर खास पेशकश रखवाले। तो गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रतिष्ठा का भी प्रोग्राम है। तो गाइस ये सब जो प्रोग्राम है ये बेसिकली लल्लन टॉप ऐप का लल्लन टॉप का एडवर्टीजमेंट है, ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि लल्लन टॉप पे 9 बजे प्रोग्राम होता है सौरभ द्विवेदी का दुनियादारी। और फाइनली गाइस हम सामने अब जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं सामने लल्लन टॉप अड्डा पे। और ये देखिए ये है लल्लन टॉप अड्डा, और सामने में खड़े हैं सौरभ द्विवेदी जी। ये देखिए सामने में खड़े हैं सौरभ द्विवेदी जी, और साथ में और नजर उनकी 2025 के बिहार के संभावित विधानसभा चुनाव पर है, और साथ में है राजदीप सरदेसाई। ये देखिए मुझे लगता है कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इतनी जिसकी राजनीतिक पकड़ है जितनी बिहारियों की। आप नंबर वन है आपके पॉलिटिकल एनालिसिस, मैंने कहीं भी नहीं देखा। आप सब आप अपने आप को ताली दीजिए कि जो चैलेंज है जो एक राज्य से दूसरी राज्य अश्वमेध यज्ञ की तरह जा रहा है, उसमें एक अगर रुकावट है वो है बिहार। बिहार वो एकमेव राज्य है जहां बीजेपी को अभी तक नॉर्थ इंडिया में कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिली है आज तक, और यही वजह है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता मंडल की राजनीति से उभर कर आए। इतना पड़ेगा कि वो इतने साल जो उन्होंने वामपंथी दलों को, और गाइस यहां पे देखिए यहां पे है दस्तक दरबार, और इसमें भी साहित्य आज तक का ही प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल खाली है। अभी लगता है कोई गेस्ट नहीं है इसमें। ये बेसिकली गाइस रात के 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है, और 19-20 दोनों दिन ये प्रोग्राम चलेगा। तो गाइस आइए हम देखते हैं अगर अभी कोई यहाँ पर कोई भी लल्लन टॉप या आज तक के किसी पत्रकार से हमारी मुलाकात हो सके तो हम आपको उनसे मिलाते हैं। Here are a very, here are a very, here are a very.
सिंपल है, जो फटाक से बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। और एक ट्रिक है, जो सही जवाब देगा सबसे पहले उसे दो इनाम मिलेंगे, एक अपने लिए और एक आपके बगल में जो बैठा है उसके लिए। तैयार है? आपको बताना है वो कौन सा भारतीय गाना है जिसे YouTube पर सबसे पहले 1 अरब वीडियो व्यू मिला। मान चालीसा, चालीसा गलत जवाब है। और लाइची चार्ट है, पंजाबी सीखे हैं। संस्कृत में इस मिठाई को कहते हैं सुधा कुंडलिका। जलेबी, जलेबी। हिमांशी जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस बातचीत को शुरू करने के पहले मैं थोड़ा दर्शकों से बातचीत कर रहा था, क्विज खेल रहा था। ये सीरियस बातचीत नहीं है तो ये नहीं देंगे इसको सीरियस। हाँ प्लीज। और ये लड़के आगे जो बैठे हैं उसमें से मैं 3-4 को तो पॉइंट आउट कर दूं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हिमांशी मैम के शॉर्ट्स देखते हैं और रील्स देखते हैं मोटिवेशन के लिए। मैं इस पे खुश हूँ, आंसू पोछूं। अच्छा मोटिवेशन के लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखना चाहिए। और वहाँ पे छोटी सी बात पे मतलब गुम्मा होता है ना उधर, मतलब अद्धा अद्धा खींच के मार दिया लौंडे किसी को, इस तरह की चीजें होती हैं। फिर आपने लेकिन एक वैसा निर्णय लिया जो मैं अपने जीवन में नहीं ले पाया, आपने यूपी बोर्ड से सीबीएसई में चली गई। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ अंग्रेजी फिल्में देखकर, आप सीखती हैं स्कूल में। क्या था यूपी बोर्ड से सीबीएसई क्यों गई, अंग्रेजी सुधरी उससे? जब मैं यहाँ दिल्ली आई तो उस टाइम पे दो ऑप्शंस थे, क्या तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करूँ, मतलब सीबीएसई में भी हिंदी मीडियम में बुक्स आती हूँ उसमें पढ़ूँ, या फिर इंग्लिश मीडियम में। तो मेरी सिस्टर का ये बड़ा एक वो था, वो पहले से कॉन्वेंट में थी, यहाँ बचपन से माँ बाप के पास थी, तो उन्होंने कहा नहीं यार इंग्लिश में ही पढ़ो, मतलब कोई बात नहीं दिक्कत होगी बट आ जाएगा समझ। और वो एक चीज़ रही है, वो क्यूरियोसिटी मान लो उस चीज़ को, या फिर मतलब मेरे को ये रहता है मैं सीख लूँगी कुछ भी करा लूँ हो जाएगा, तो वो एक चीज़ थी। और तो फिर सोचा कि नहीं इंग्लिश में करेंगे और इंग्लिश में फिर शुरू किया। शुरुआत में तो दिक्कत होती थी, स्पेशली साइंस में दिक्कत हुई क्योंकि वो वाष्पीकरण और यहाँ कुछ और ही चल रहा था तो वो सर के ऊपर से जाता था, टीचर तो लगता था बच्ची मेहनती है लेकिन जा रहा है थोड़ा टप्पा खा के, ऊपर से लेट एडमिशन हुआ उस साल मेरा, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, थोड़ी बहुत क्या मतलब नॉर्मल, बट उनको दिक्कत मानते नहीं है हम लोग, एटीट्यूड शायद वैसा ही था। और मेहनती में थी, ग्रामर वगैरह मेरी ठीक थी, बट धीरे धीरे चीज़ें फिर बेटर हो गई, फिर समझ में आने लगा। शुरुआत में एक दो नॉवल पढ़ ली और वो प्यार मोहब्बत की कहानियाँ थी तो इजीली समझ आ जाती है, चाहे अंग्रेजी में हो हिंदी में हो फारसी में हो, तो वो फिर धीरे धीरे बेहतर होती है। ठीक है, अब आप एक स्थापित टीचर हैं, यूट्यूब चैनल जो शुरू किया आपने दीदी, जो मैंने बताया अभी आपने दीदी से शेयर किया 6200 रुपए पहला चक्का, मतलब 6500-6200 वो 6000 की लाइन में कहीं थे, वो टैक्स कट के $100 होते हैं जनरली, तो उस टाइम पे 70 के आसपास डॉलर रहा होगा, तो वो कट पिट के मतलब 7000 भी पूरे आए नहीं थे, तो 6700-6200 जितने भी रहे होंगे अब तो भी नहीं, बट हाँ उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे, मतलब अच्छा लगा कि हाँ यार। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे इसलिए मैं अभी से पूछ ले रहा हूँ, अब कितना आता है यूट्यूब? मैं बिल्कुल सोच के नहीं आई थी ये क्वेश्चन आएगा, आ जाता है चल जाता है। समाप्त होता है, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल 11 बजे मुलाकात होगी नरेंद्र भट्टा के नए मंच पर जो ज्यादा बड़ा है, ताकि ज्यादा लोग आ सके और वो 10 लोगों वाली प्रॉमिस याद रखना, आपकी तरह फैला दो इस मैसेज को। थैंक यू। तो गाइस फाइनली
पहला दिन ख़त्म हो चुका है साहित्य तक और लल्लन टॉप अड्डा का ध्यानचंद स्टेडियम में, और अब अगला दिन जो है वो कल है 19 को और तीसरा दिन 20 को है। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे गाइस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 2 बजे से रात 9 बजे तक का। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ गाइस कल फिर 19 तारीख को इसके सेकेंड डे में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।